हरिश्चंद्रगढ़ महाराष्ट्र का सबसे सुंदर माउंटेन, जिस पर आपको भगवान शिव जी का काफी मिस्टीरियस शिवलिंग देखने मिलेगा, जिसकी कहानी सुनकर आपको एक बार यहाँ पर आने का जरूर मन करेगा। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केदारेश्वर केव और हरिश्चंद्रगढ़ का हाईएस्ट पीक तारामती पीक। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम विशाखा, वेलकम टू आफ्टर अपडेट की। तो इस वक्त मैं हूँ टेंट में और अभी एग्जैक्टली बज रहे हैं 5:15 और हम जा रहे हैं तारामती पीक पर, जो है हरिश्चंद्रगढ़ का हाईएस्ट पीक तारामती पीक। तो हम जाएंगे वहाँ पर सनराइज देखने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जहाँ पर हमने टेंट लिया है वो अंकल हमें जा रहे हैं दिखाने के लिए रास्ता यहाँ से, और मैंने टेंट लिया है हरिश्चंद्रगढ़ पे कोकनकाड़ा पे ही लिया है मैंने टेंट। टेंट की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी चलते हैं और हमें सनराइज़ मिस नहीं करना है। जैसे हमने कल सनसेट मिस नहीं किया था, सनसेट एंजॉय किया था, वैसे हम सनराइज़ भी एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे और मैं आपको मिलूँगी आगे ट्रैक पर। तो अभी हो रहा है घड़ी में एग्जैक्टली 5:55 और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था कोकनकाड़ा से। तो कोकनकाड़ा से भी तारामती पीक आने के लिए रास्ता है। हमने जिनसे टेंट लिया है उन्होंने हमें हाफ रास्ते में छोड़ा, फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि अब आगे जाओ। अभी जिस मैं रास्ते से आई हूँ ना, वो पूरे गुफा के जैसे है। ऊपर पूरी मतलब पौधे हैं जो पूरे राउंड है और उसके बीच में एक छोटा सा गुफा जैसा रास्ता गया जो पूरा खड़ी चढ़ाई है, एकदम पूरा खड़ी चढ़ाई है। तो अभी एग्जैक्ट 6 बजने वाले हैं। सनराइज़ का जो टाइमिंग है वो है 7:14 पे। तो अभी टाइम है, पूरा 1 घंटा है अपने पास ऊपर जाने के लिए। और वो जो पूरा गुफा जैसे 2 बार रास्ता आया, वो पूरा रास्ता कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्टेयर स्टार्ट हो गई है और ऊपर फ्लैग भी दिख रहा है। तो आई थिंक लग रहा है कि हम पहुँचने वाले हैं जल्दी। ऊपर एक और ग्रुप गया है हमसे पहले जो वहाँ पर स्टे कर रहा था। देखते हैं और जैसे उजाला होगा मैं आपको ये रास्ता दिखाऊंगी, ये रास्ता कैसा था जहाँ से हम आए हैं अभी। तो मिलती हूँ आगे। अभी हम ऑलमोस्ट तारामती पीक पहुँचने वाले हैं। मुझे यहाँ से फ्लैग काफ़ी अच्छे से विजिबल है क्योंकि यहाँ पर मून की काफ़ी अच्छी रोशनी है। फ्लैश की ज़रूरत तभी पड़ रही है जब बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ आ रही है, फिर अंधेरा हो रहा है तभी। तो चलते हैं और ऊपर शायद मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ आ रही है अभी, तो आवाज़ नहीं आएगी मेरे अच्छे से। और अभी हवा भी तेज़ हो रही है तो ठंडी भी लगना स्टार्ट हो गई है। चलते हैं आगे। तो अभी मैं टॉप पर पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगा कि मुझसे पहले कोई ग्रुप गया है बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो टेंट वाले अंकल थे वो बोले थे कि शायद एक ग्रुप गया है आगे, तो मुझे लगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही मंदिर के रास्ते से कोई अभी तक आया है, ना ही कोकनकाड़ा से कोई आया है। हम ही है फर्स्ट। और वहाँ पर फ्लैग भी है बड़ा सा और वहाँ पर छोटा सा शंकर जी का मंदिर है, पर अभी तो विजिबल नहीं है वो। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, सनराइज़ होने वाला ही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो ऑरेंज ना लाइट आ गया है और वो लाइंस दिख रहे हैं। और जैसे उजाला होगा तो जाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि रास्ता कैसा था, मंदिर दिखाऊंगी, यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि मैं खुद अभी देखना चाहती हूँ जो यहाँ का माउंटेन का व्यू है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अलग अलग माउंटेन और फोर्ट भी दिखते हैं। पर मुझे नहीं पता मैं उनको रिकग्नाइज कर पाऊँगी या नहीं, पर यहाँ का व्यू काफ़ी मस्त होने वाला है। एग्जैक्ट 20 बाद मुझे सुंदर सा सनराइज देखने मिला। ऑफकोर्स ये सबसे सुंदर सनराइज तो नहीं है, पर ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट है क्योंकि यहाँ पर आके सनराइज देखना ये मेरा ड्रीम था और ये मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। मेरे जैसे ही आप सबका भी ये ड्रीम जरूर हुआ रहेगा कि आप हरिश्चंद्रगढ़ पर आके सनराइज और सनसेट देखो। तो अगर आप कभी फ्यूचर में आते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और क्या आपको पता है कि जहाँ से मैं बैठकर सनराइज देख रही हूँ इसकी हाइट कितनी है? तो तारामती पीक ये हरिश्चंद्रगढ़ का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 4,690 फीट, जो महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक में 6 नंबर पे आता है। जैसे कोकनकाड़ा पे कल भीड़ थी, वही सेम भीड़ यहाँ तारामती पीक पर भी थी। स्टार्टिंग के 15 कोई भी नहीं आया था, उसके बाद यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी और हमने ये सनराइज देखा। और ये है तारामती पीक का छोटा सा मंदिर जिसकी बात मैं आपको थोड़ी देर पहले कर रही थी। और
ये पूरा माउंटेन रेंज। यहाँ पर इतना फॉग है, हम मतलब माउंटेन्स दिख रहे हैं मुझे पर ज़्यादा विजिबल नहीं है फॉग की वजह से। तो सनराइज हमारा हो चुका है, यहाँ पर जो मंदिर है उसके भी हमने दर्शन कर लिए हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ से कोकन कड़ा दिखाती हूँ। सामने जो दिख रहा है वो है कोकन कड़ा, यहाँ पर रेलिंग है और हम पूरा वहाँ पर हमारा टेंट है, वहाँ से हम पूरा ये तीन पहाड़ चढ़कर हम यहाँ से फिर यह टॉप पर आए हैं। और यहाँ से मैं आपको हरिश्चंद्रगढ़ का जो मेन मंदिर है उसे भी यहाँ से विटनेस कर सकते हैं, और वो मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर है वो मंदिर। और अगर मैं आपको बता दूँ कि मैं आई कहाँ से हूँ, जो हमने ट्रैक किया था खेड़ेश्वर विलेज से, ये वाले जो जितना भी आप माउंटेन देखो ये रेंज, ये पूरा हम यहाँ से कवर करके फिर हमने मंदिर में दर्शन लिया था। फिर मंदिर के यहाँ से कोकन काड़ा तक जाने में आपको ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगेंगे। और कोकन काड़ा से तारामती वीक पे आने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा हमें। हम यहाँ से आए हैं इस रूट से, तो हम जिस रूट से आए थे उस रूट से हमें यह फ्लैग देखने मिला था, फिर उसके बाद हमने इस जगह को अच्छे से विटनेस किया था। हाँ तो अभी सनराइज़ हो गया है, अभी हम फिर से चलेंगे कोकन काड़ा। और अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप मंदिर के यहाँ पर स्टे करते हो तो मंदिर के यहाँ से भी तारामती पिक आने के लिए एक रूट है, तो अगर आप वहाँ स्टे करते हो तो वहाँ से भी आ सकते हो। अगर आप कोकन काड़ा स्टे करते हो तो वहाँ से भी आ सकते हो। तो कोकन काड़ा और मंदिर के यहाँ से तारामती पिक अच्छे से दिखता है। तो चलते हैं नीचे, अब नीचे भी जाना है और आपको दिखाना है कि कोकन काड़ा से यहाँ पर आने का जो रास्ता था वो कितना ज़्यादा खतरनाक जैसा था। मतलब रात थी इतनी, इसलिए थोड़ा डरावना भी दिख रहा था, पर अभी दिखाती हूँ कैसे झाड़ियों के अंदर से रास्ता निकला है, गुफा जैसा लगता है। चलते हैं नीचे और फिर से कोकन काड़ा चलते हैं, थोड़ा व्यू लेते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर बाकी का पार्ट हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आपको जो स्टेयर्स थी वो वाला पार्ट दिखाऊंगी, उसके बाद मैं गुफा वाला पार्ट दिखाऊंगी। चलते हैं आगे। ये है वो स्टेयर्स जिसकी मैं बात कर रही थी, और आगे जो आप देख रहे हो इन दो पहाड़ों में जो जंगल है उसी में जो रास्ता था जो गुफा के जैसा था, और वहाँ पर है कोकन काड़ा। अंदर जो रास्ता दिख रहा है वही है जो गुफा जैसा रास्ता है, और इसे अंधेरे में चलना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैं ना ऐसा वेट कर रही थी कि आसमान कब दिखेगा, इसके अंदर जाएंगे ना तो आसमान बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा पूरा कवर है। तो चलते अंदर, अभी आपको दिखाते कैसा रास्ता है ये। तो ये वही जगह है जहाँ से मेरे को आसमान दिखना स्टार्ट हुआ था ऐसा ऊपर की तरफ, ये तो पूरा अंदर कवर है एकदम पेड़ों से। और ये पैच ना बहुत डिफिकल्ट भी है, इससे पहले वाली जो गुफा थी ना वो भी, और ये देखो ऐसा ये रास्ता है। रात को कैसे चढ़े को समझ ही नहीं आया, पर सुबह उतरते वक्त समझ आ रहा है कि कितना डिफिकल्ट था। रात को कुछ दिख नहीं रहा, बस रास्ता समझ आ रहा है, इसलिए बस चढ़े जा रहे थे। पूरा गोल दिख रहा है ऊपर, बिल्कुल भी वो नहीं है आसमान दिखने की जगह, बस पेड़ है ऐसे ऐसे, और इसमें से ही आए थे। ये देखो ऐसा गुफा के जैसे दिख रहा है ये रास्ता, और ये अभी इतना कम उजाला आ रहा है इसके अंदर, तो आप सोचो कि ये मतलब रात को कितना ज़्यादा अंधेरा रहेगा यहाँ पर। मतलब चढ़ते वक्त ऐसा सोच रहे थे कि ये एक्चुअल रास्ता है या नहीं है, या सही जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, बस ये गुफा जैसा रास्ता था। और यहाँ पर ऊपर जाते वक्त काफ़ी मतलब चढ़ने में इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, पर उतरने में जब ऐसा रास्ता दिख रहा है ना एक्चुअली कितना डिफिकल्ट था रास्ता, पर हमने उसको कर लिया है अभी ट्रैक। तो उतरते वक्त देखते समझ रहे हैं कि डिफिकल्ट तो था। अगर आप अकेले आते हो ना तो थोड़ा शायद डर लग सकता है। चलते और इस रास्ते से पहले बाहर निकलते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी बड़ा है।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे जाने का रास्ता कैसे है। तो वहाँ पर एक कोकन काढ़ा और यहाँ से हम आए थे। यहाँ ऊपर जो आपको दो वाटरफॉल दिख रहे हैं, उसका जो सेकंड वाटरफॉल है वहीं से जाता है रास्ता। ऊपर आपको लोग भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक और दो दो रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकते हो। फिर आपको वो अंदर जंगल वाला रास्ता मिल जाएगा। यहाँ तक ही हमें पूरा वो वाटरफॉल के रास्ते तक हमें हमारे टेंट वाले अंकल ने छोड़ दिया था। फिर वो चले गए थे, फिर आगे का ट्रैक हमने खुद किया था। अब मैं पहुंच चुकी हूँ कोकन काढ़ा और अभी बज रहे हैं 9:08। तो मुझे एक घंटा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 40 मिनट लगे होंगे शायद नीचे आने में, फिर आधा घंटा ही पकड़ लो। और हम आ चुके हैं कोकन काढ़ा। यहाँ पर है कुछ लोग, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोकन काढ़ा कभी खाली हो। शाम को तो पूरा एकदम पूरे भर गया था इस जगह को। या अब यहाँ पर टेंट देख सकते हैं, यहाँ पर कोकन काढ़ा के सामने ही टेंट है। यहाँ पर छोटे छोटे होटल्स बोल सकते हैं आप, जो हंट है यही आपको टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ अपने टेंट में और आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको टेंट के प्राइजेस कैसे है, उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग रहता है बाकी सब। तो चलते हैं अपने टेंट में। ये है टेंट जहाँ मैं रुकी थी और अंदर से ये ऐसा है। तो मैंने जो टेंट लिया था वो था यहाँ पर, और सामने आपको यहाँ पर कोकन काढ़ा देखने मिलेगा। और जो टेंट के जो ओनर है वो है ये। तो इनका जो डिटेल है, इनके जो भी कार्ड का नंबर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और सर्विस भी बहुत अच्छी है। इनके जो टेंट के डिटेल्स है, प्राइजेस है, वो भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका सब कुछ डिटेल दे दूंगी, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा क्या बोला इसे? ठीक है। मेरे टेंट के पैकेज में इंक्लूडिंग मेरा ब्रेकफास्ट करके मैं चली गई फिर से कोकन काढ़ा पर। तो अभी मैंने नाश्ता एंड ऑल कर लिया है और अभी मैं फिर से आ गई कोकन काढ़ा पे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी कोकन काढ़ा पे, तो मैं अच्छे से यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तो ये है एग्जैक्टली कोकन काढ़ा से व्यू। ये है रेलिंग जो हम हर जगह देखते हैं, फेमस रील में, वीडियोस में, अगर आप अभी मेरे वीडियोस में भी देखोगे, पर फेमस नहीं है। और ये वो पत्थर जहाँ पे लोग बाहर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे टेंट भी लगाते हैं। मैं तो बाहर नहीं गई हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको टेंट की बुकिंग कैसे करनी है, फिर यहाँ के जो प्राइस रेंज है वो कैसे है। तो मैंने जो टेंट का बुकिंग किया है उसका पर पर्सन टेंट का रेंज है 200, और आपको लंच का और नाश्ते का अलग से चार्ज देना पड़ेगा जो कि है 200। तो मतलब कि मेरा 150 था लंच का और 50 रुपीज़ था नाश्ते का। तो टोटल ये सही है। और एक टेंट में दो लोग रह सकते हैं, तो अगर आप कपल हो या फिर आप ग्रुप में आ रहे हो, तो जो मैंने जिस जगह से लिया वो काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि बाकी जगह पर अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपको बाकी वाले ऑप्शंस अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो 350 में सब कुछ आ जाता है उसमें, एक टाइम नाश्ता, एक टाइम लंच और टेंट। पर अगर आप अलग से हो, तो मतलब दो लोग हो और आप, तो आपको हर एक इंसान का 350 देना रहेगा, तो वो 700 रुपये हो जाता है। और जहाँ मैं रुकी थी वहाँ पर दो लोग रहेंगे तो सही है, या फिर तीन लोग रहेंगे तो भी सही है, क्योंकि वो 600 में हो जाता है। तो 100 रुपीज़ का मतलब बचत तो हो रहा है, और कोकन काढ़ा पे ही है। तो मंदिर के यहाँ पर भी टेंट है, मैंने वहाँ पर भी पूछा था, पर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे प्राइस हमारे हिसाब से जितने हम लोग हैं। तो मैंने आगे आई तो मुझे यहाँ पर उन्होंने बताया ये वाला प्राइस रेंज, तो मैंने यहाँ पर डन किया। और कोकन काढ़ा के पास में भी था और तारामती पीक भी यहाँ से जा सकते थे, और वैसे वहाँ से भी जा सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर आके पता चला कि तारामती पीक यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया, जब कोकन काढ़ा पे आई थी शाम को, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर ही रहूँगी। तो अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़ होता मुझे ज़रूर पूछना कमेंट में। और जो मैंने जहाँ से लिया है, ये बुकिंग किया है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप वीकडेज़ में आ रहे हो तो आपको इनको कॉन्टैक्ट करके आना है, अगर आप वीकेंड पर आ रहे हो तो सैटरडे संडे यहाँ पर रहते हैं वो।
यहाँ पे सारे जो भी है, मतलब वो नहीं सिर्फ, यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं वो सैटरडे संडे यहाँ पर विजिट करते हैं, वो यहीं पर रहते हैं, वीकडेज में वो यहाँ नहीं रहते, आपको कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आना है। तो ये थी टेंट की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज हो तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। तो अभी कोकनकाड़ा देख लिया, अब चलते हैं हम मंदिर के यहाँ पर और फिर वहाँ पे आगे दिखाती हूँ, वहाँ पर और केव वगैरह भी है, वो भी एक्सप्लोर करना बाकी है अभी। तो चलते हैं फिर से वही। तो अभी मैं कोकनकाड़ा से आ चुकी हूँ फिर से मंदिर में, और इस मंदिर में भी दर्शन करूँगी मैं। और वैसे मैंने कल भी इस मंदिर में दर्शन किया था, जो तीन खंभे वाला मंदिर है उसमें मैं नहीं गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये जो मंदिर है यहाँ का, उसके राइट साइड में नीचे की तरफ वो मंदिर है, और मुझे जाना था सनसेट देखने के लिए, तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं, मैं बस कोकनकाड़ा का वो देख लिया था, मैंने पोस्टर जो वहाँ पर लगा है उसको फॉलो करते चले गई थी, क्योंकि यहाँ से जो 1 किलोमीटर पर है। तो अभी हम उस मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे और यहाँ पर भी दर्शन करूँगी। और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर ना कुछ केव्स भी है, पर मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी एग्जैक्ट हो रहे हैं 11:45 और मुझे नीचे भी उतरना है, और मैं खिड़ेश्वर से जा रही हूँ तो मुझे उतरने में भी 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि चढ़ने में मुझे यहाँ पर 4 घंटे 3.5 घंटे लग गए थे। तो अभी उतरना भी है, तो मैं अभी केव वगैरह एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, धूप ज़्यादा बढ़ने से अच्छा है मैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके यहाँ से नीचे की तरफ जाती हूँ। तभी चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर है वो शिव जी का, और यहाँ मंदिर है और इस साइड से ऊपर से आपको आना है, और यहाँ पर है वो गुफा। चलते हैं नीचे। तो मंदिर में मैंने अभी दर्शन कर लिए हैं, और अगर आप मंदिर में जाना चाहते हो तो आप यहाँ उतर के दर्शन ले सकते हो। यहाँ से लोग जा रहे हैं अभी, मैं नहीं गई क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मेरे थाइस तक पानी है और बहुत ज़्यादा ठंडा, मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं जा रही दर्शन करने के लिए, मैंने बाहर से दर्शन कर लिए हैं। पर अगर आप आते हो और अगर आपको अंदर जाना है दर्शन करना, तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर मंदिर के बारे में छोटी सी कहानी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये है हरिश्चंद्रगढ़ का केदारेश्वर मंदिर, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। कहा जाता है कि शिवलिंग के चारों बाजू जो पिलर है वो दर्शाते हैं युगों को, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो चार पिलर में से अभी सिर्फ आपको एक ही पिलर देखने मिलेगा जो टूटा नहीं है, जिसे कहा जाता है कलयुग। अभी शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। बाकी के जो 3 पिलर थे वो थे क्रेता युग, त्रेता युग और द्वापर युग। जब वो टूटे तब उनका युग नष्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये 4th पिलर टूटेगा उस दिन कलयुग, यानी कि हम जिसमें रह रहे हैं, वो नष्ट हो जाएगा। ये थी यहाँ की कुछ छोटी सी स्टोरी। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मेरे दर्शन करके हो गए, और मैंने हरिश्चंद्रगढ़ का जितना मुझे हिस्सा कवर करना था मैंने सारा कर लिया है, और हमारा ट्रैक भी पूरा कम्प्लीट हो चुका है। अभी स्टार्ट होगी हमारी जर्नी ट्रैक ख़त्म करने के, अभी उतरने के। अब देखते हैं कितने घंटे लगेंगे, तो अभी देखते हैं मैं कितना टाइम लगेगा नीचे जाने में, तो मैं बताऊंगी मैं नीचे जाने में कितना टाइम लगा, और अपना वीडियो भी यहाँ पे एंड करेंगे। तो फाइनली अभी मैं हरिश्चंद्रगढ़ से नीचे आ चुकी हूँ, पूरे 2.5 आवर लगा मुझे यहाँ पे नीचे आने के लिए। और जो और मैंने यहाँ की कि मैंने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर ली है जो मुझे पर्सनली करनी थी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूज होता मुझे ज़रूर पूछना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।